हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंगआउट प्लस चैनल। आज आपको बताऊंगा हार्ले डेविडसन बाइकर्स वेस्ट विद पिन्स एंड पैचेस के बारे में। रिसेंटली मैंने अपना वेस्ट कस्टमाइज किया था कुछ स्टैंडर्ड पिन्स एंड पैचेस के साथ, जो कि मेंबरशिप के साथ मिलता है, और कुछ आपको ख़रीदने पड़ते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। और जैसे जैसे आप राइड करते जाइएगा, वैसे वैसे आपको पैचेस मिलते हैं, पिंच मिलते हैं, तो उसको आपको स्टिच करना है वेस्ट से, जो आपको एक रिकॉग्निशन देता है कि आपने ये सब अचीव किया है। जेन्युइन हार्ले डेविडसन एक्सेसरीज़ के लिए आपको शोरूम से बात करना पड़ेगा, और ये शोरूम में ही अवेलेबल होता है। बाहर जो अवेलेबल होता है वो जेन्युइन नहीं होता, जेन्युइन लेदर का नहीं होता है। तो जो शोरूम में मिलता है वो जेन्युइन लेदर का होता है। इसका कॉस्ट अराउंड 10,919 रुपीज़ है, जिस पर आपको हब मेम्बरशिप का डिस्काउंट भी मिलता है। ये कुछ बेसिक पिन्स एंड पैचेस हैं जो कि मैं लिया था, और कुछ मुझे हब मेम्बरशिप के साथ मिला था। ये जो पिन है वो मेम्बरशिप के साथ मिलता है। ये चैप्टर वाइज ख़रीदना पड़ता है, जो आपका बाइक मॉडल है उसको ख़रीदना पड़ता है। ये पीछे वाला जो आपको चैप्टर रिकॉग्निशन करता है वो ख़रीदना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड है सारे बाइकर्स वेस्ट के लिए। ऊपर में जो एम्बलम है ये एक्स्ट्रा मैं लिया हूँ ऑनलाइन से, ये जेन्युइन नहीं है। तो इतना स्टैंडर्ड लग ही जाते हैं। इसके बाद आपको एक नेम पैच विथ ब्लड ग्रुप ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको आइडेंटिफाई कराता है। ये जो स्टैंडर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड पैचेस और पिन होते हैं, इसका लगभग कॉस्ट आ जाता है 7,000 के करीब। इन पैचेस को टेलरिंग दुकान में स्टिच करना पड़ता है, और दो जो बड़े पैचेस हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं स्टिचिंग के लिए, क्योंकि जो ईगल वाला शेप रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये टेलर भाई साहब बहुत ही पेशेंटली स्टिचिंग कर रहे हैं। चैनल का पैच भी लगा दिया, अभी बाइकर्स वेस्ट रेडी है, नेम पैच भी लग गया। वो पिन्स मेरे पास थे, एक जो मेरा चैप्टर है उसका पिन, और ये जो गोल्डन वाला है ये मेंबरशिप का पिन होता है, तो दो पिन लगा दिया। इसके बाद जो जो मैं अचीव करूँगा वैसे वैसे मुझे मिलता जाएगा। अभी दो पैचेस मेरा पेंडिंग है, जो 10,000 किलोमीटर पे माइलेज पैच होता है वो मेरा पेंडिंग है, और एक ईस्टर्न हॉग रैली जो EHR हुआ था उसका एक पेंडिंग है। तो आने के बाद फिर इसमें लगेगा।